कांग्रेस पार्टी की तरह जानिब से चार मीनार के दामन में उनको उन शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज जमा हुए और हम यहां से ये पैगाम देना चाहते हैं दहशतगर्दों को जो हमारी सरहदों को हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं उन बुजदिलों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब आज तमाम हिंदुस्तानी एक हो चुके हैं और हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जरूरत पड़ने पर अवाम भी हमारी फौज के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार। सीआरपीएफ के जो जवान शहीद थे उनके हम उनके साथ हैं ये पैगाम देने के लिए और उनके परिवार के फैमिली मेम्बर्स है उनके हम अल्लाह से यही दुआ करें यहाँ पर कि अल्लाह उनको खैर खुशी से रखे तमाम मुश्किल से आसान करे और ज़िंदगी में कभी उनकी ऐसा मौका ना दे उनकी शहादत के बदले में अल्लाह नवाजे उनके फैमिली खुशियाँ तमाम यही दुआ करें। हम सबसे यही दुआ करना चाहते हैं यही हमारा पैगाम है कि हम सब एक अगर हो जाए अगर हिंदुस्तान के 120 करोड़ आदमी अगर एक हो जाए तो सिपाही बन के अगर देश के वासी ठहरे हम जवानों में मजहबों में तमाम बचे हैं मतलब देश में अगर एकता अगर हम बताएं कि अगर हम एक हो जाए 125 करोड़ आदमी किसी की नज़र किसी की जरूरत नहीं होगी तो हमारे मुल्क का सब यही हमारा पैगाम है हम यही बोल जाए अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि किसी भी मोहल्ले में किसी भी शहर में किसी भी स्टेट में किसी भी मुल्क में ऐसा हादसा ना हो अल्लाह हर एक की मानव जान की हिफाजत करे यही हमारे दुआ है। पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार के साथ है उनकी घड़ी में उनके साथ है। आज जिसने जो माँ ने अपने बेटा को वो हम सब उनके बेटे हैं उनकी शहादत आज हिंदुस्तान को एक कर डाली और हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे हर सतह में पाकिस्तान को बायकॉट करें इवन वर्ल्ड कप भी हम ना खेलने जाएं ताकि आईसीसी पे प्रेशर पड़े इसका और 85% स्पॉन्सर हिंदुस्तान से ही रहते हैं ये वर्ल्ड कप फ्लॉप कर दिया जाए हिंदुस्तान की तरफ से। अगर पाकिस्तान खेली वर्ल्ड कप तो हिंदुस्तान को चाहिए बायकॉट करें हिंदुस्तान की टीम ना भी जाए और आज इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हैं हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए उनके परिवार का ख्याल करें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। हम मुसलमान भी आज वो परिवार के साथ हैं हर घड़ी में जान देने उनके लिए खून देने पैसे से हर चीज़ से हम उनके साथ हैं। हिंदुस्तान आज पूरा एक हो चुका है उनकी शहादत पे ये उनके फैमिली के लिए बहुत गर्व की बात है। आज उनकी अहमियत देखिए आप पूरा हिंदुस्तान एक हो गया वो 40 जवान के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। सेल्फी करो।